मत्ती उसके फोर्थ चैप्टर उसके पहले पद में लिखा हुआ है, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया तो इब्लीस ने यीशु की जंगल में परीक्षा ली। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई जंगल में उस स्थान में, तब लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों से शैतान को हराया। आज प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन से बताना चाहते हैं कि कई समय में हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन एक सामर्थी वचन है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारी ढाल और हमारा हथियार है, हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ है, हमारे लिए एक ऐसी सामर्थ है। जब परमेश्वर के लोग इस वचन को क्लेम करते हैं तो बड़े बड़े काम होते हैं। जब वचन हमारे अंदर होता है तो हम शैतान की हर एक युक्ति को हरा सकते हैं, शैतान की हर एक चालों को हरा सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हम अपने सिचुएशंस को बदल सकते हैं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन क्लेम करिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लीजिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करिए। जब आपका आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा तो आपके जीवन को बदलेगा और शैतान की युक्तियां हार जाएंगी। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, और शैतान जब यीशु मसीह ने अपने वचनों को क्लेम किया तो शैतान उसके पास से चला गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने अंदर लिए रहते हैं तो शैतान हमारे ऊपर जोरावर नहीं हो सकता। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, वचन संहिता 39 और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए हुए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि ये जो यहाँ पर प्रार्थना की गई है ये एक पश्चातापी प्रार्थना है। हमें जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो हम पश्चाताप करें, बिना पश्चाताप के हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर इस प्रार्थना में कहा गया है कि मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा। आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आए तो हम इस बात को कहें कि प्रभु मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा, मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाऊंगा, क्योंकि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं चुपचाप रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बनाएं, अपने आप का अंगीकार करें कि हमने पाप किया है और हम पाप में पड़े हुए थे। और जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक पापों से बचाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक पापों से छुटकारा देते हैं। जरूरी है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के नजदीक आए। तो जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज जरूरी है कि हम अपनी चाल चलन पर चौकसी करें, हम किस तरह से चाल चलते हैं। वचन उसका 16th चैप्टर उसके 3rd वर्स में लिखा हुआ है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जब हम अपने कामों को, अपनी आशाओं को, अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानी को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं तो परमेश्वर की जो परमेश्वर हमारी जरूरतें होते हैं उनको देखते हैं और अपने अनुग्रह और अपनी दया से पूरा करते हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मुझे किसी भी बात की आवश्यकता होती है या कोई भी मेरे मन में चिंता होती है तो मुझे पता है कि मेरा आसरा मेरा प्रभु है, मेरा आसरा और मेरा भरोसा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और जब मैं उसके नजदीक उसके चरणों में अपनी तकलीफों को रख देती तो वो अद्भुत रीति से मेरे लिए रास्ते और मार्ग खोलते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास और हमारी आशा उसी पर लगी रहती है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार माना है और जब उसने हमारी हरेक वस्तुओं को, हमारे शरीर के हरेक अंगों को, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में लिया है और जब वो हमारे घर का अधिकारी है हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो वो हमारी हरेक आवश्यकता को जानते हैं, हमारी हरेक तकलीफों को जानते हैं, हमारी हरेक चिंताओं को जानते हैं। और वो इस वचन को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपनी जितनी भी चिंताएं, अपनी जितनी भी तकलीफें हैं उसके चरणों में हम लाकर रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह से रास्ते और मार्ग खोलते हैं और हम पर दया करते हैं। हम चिंता न करें पर उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसके पर भरोसा रखने ही से हमारी आशा सिद्ध होती है। जय मसीह की।